मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। गाड़ियों की जोरदार टक्कर में कैसे गई एक युवक की जान, 60 करोड़ की ड्रग के साथ कहां महिला हुई गिरफ्तार, बीवी और बेटे ने कैसे बैंक अधिकारी को उतारा मौत के घाट, नवी मुंबई परिवहन बस में कैसे लगी आग तो कहां गोदाम जलने से 22 साल का युवक आग से झुलसा, ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5। मुंबई के स्ट्रैंड हाईवे पर डंपर और कार और एक ठेले गाड़ी की जबरदस्त टक्कर होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को इलाज के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल में भेजा गया है और मौके पर पुलिस भी पहुंची है। ये जाँच करने में जुटी हुई है कि आखिर कुर्ला और चेंबूर के बीच में ये भयानक हादसा हुआ कैसे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की रहने वाली एक महिला को कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। 12 फरवरी को जिम्बाब्वे से ये महिला मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी थी और तलाशी के दौरान इसके पास से भारी मात्रा में MD नामक नशीला पदार्थ बरामद किया गया था जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही मुंबई के अंधेरी इलाके में शुक्रवार को 54 साल के एक बैंक अधिकारी संतन कुमार शेषाद्री की हत्या उनकी बीवी और बेटे ने की है और हत्या करने के बाद इमारत की 7वीं मंजिल से उन्हें नीचे फेंक दिया ताकि ये मामला आत्महत्या का लगे। मगर पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की उसके बाद संतन कुमार शेषाद्री की बीवी जय शीला शेषाद्री 52 वर्षीय और बेटे अरविंद 26 वर्षीय ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस और अभिन से आगे पूछताछ कर रहे कि आखिर इन लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम क्यों दिया। वही नवी मुंबई परिवहन बस में भयानक आग लगी। चलती हुई बस में आग लगी कल्याण रोड पर और आग लगने की वजह से सभी यात्रियों को इस बस से नीचे उतारा गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालाँकि आग लगने की वजह से इस बस में जो लोग सवार थे वो सभी लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया लेकिन आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं चला। वही भिमंडी स्थित धामन नाका के पास एक गोदाम में रात के समय भीषण आग लग गई कि आग इतनी भयानक थी कि इसमें 22 साल के एक मजदूर की झुलसने की भी खबर सामने आई है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थी और दमकल विभाग ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।